प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के दोनों चरणों की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। वहीं निर्वाचन विभाग की अपनी सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिए चुका है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता की पालना और पारदर्शिता से चुनाव कराने के लिए प्रत्याशियों पर सख्ती बढ़ा दी है और इसके लिए आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव में होने वाले व्यय पर निगरानी रखने के लिए गठित फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी दलों की संख्या में बढ़ोतरी की है। बात अगर जयपुर जिले की करें तो यहां 11 विधानसभा क्षेत्रों में 171 दलों को गठित किया गया है और इसके अलावा करीब 600 से अधिक वाहनों में जीपीएस लगाया गया है और साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो जैसा कि आपको विदित है, जो फ्लाइंग स्क्वाड और जिसको स्टैटिक चेक पॉइंट जो पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो जो सेगमेंट होता था असेंबली सेगमेंट, उसमें एट ए टाइम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एक वो रहती थी फ्लाइंग स्क्वाड और एक स्टैटिक चेक पॉइंट लगता था। जो स्टैटिक होता था, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने कहा 3 एट ए टाइम होनी चाहिए, तो उनकी व्यवस्था अब कल से कर दी गई है। उनमें भी सब में जीपीएस लगवाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह का उनका मूवमेंट हो वो वास्ट रहे और उसके लिए हमने कंट्रोल बना दिया है। उनके मूवमेंट को देखेंगे, क्या गतिविधियों में संलिप्त हैं, क्या कार्रवाइयाँ कहाँ कर रहे हैं, इसके दृष्टिगत हमने जीपीएस लगवाया।